नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बार फिर से इतिहास रचने वाला दिन आने वाला है और डीआरडीओ ने इसके लिए किस प्रकार से चेतावनी भी कर दी है जारी और एक महाविध्वंसक हथियार का होने जा रहा है टेस्ट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत के इस महाविनाशक परीक्षण के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी स्क्रीन पर एक फोटो देखिए जिसमें डीआरडीओ ने एक नोटाम वार्निंग जारी करी है और यह कोई ऐसी वैसी नोटाम वार्निंग नहीं है, यह भारत की एक स्पेशली हथियार की नोटाम वार्निंग है जो कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तक टक कर देने की क्षमता रखता है और टेक्नोलॉजी के मामले में रूस के S-400 को भी पछाड़ सकता है और इसका नाम है XRSAM यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और दोस्तों, यह भारत का सबसे उन्नत और सबसे ताकतवर रक्षा कवच होने वाला है और DRDO के साइंटिस्टों ने इसको बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी है। और दोस्तों, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी उन्नत है कि किसी भी टारगेट का इसके हाथों से बचना लगभग असंभव है। और दोस्तों, इसके लिए डीआरडीओ ने नोटाम वार्निंग जारी करी है जिसकी रेंज है 355 किलोमीटर। दोस्तों, XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो भी 350 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसके कारण से डीआरडीओ इस परीक्षण के दौरान भारत के इस महाविध्वंसक सुरक्षा कवच का परीक्षण कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं XRSAM की खासियतों के बारे में। तो इसमें बेसिकली तौर पर दो प्रकार की मिसाइलें आती हैं, जिनमें से एक है ERSAM, दूसरी है XRSAM। ERSAM एक 150 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल है, जबकि जो XRSAM है वो 350 किलोमीटर प्लस तक मार करने वाली एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। और दोस्तों, XRSAM की जो सबसे बड़ी खासियत है वह है इसकी रडार, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग प्रकार की रडार का उपयोग किया जाता है जिससे दुश्मन की जो छुपा रुस्तम मिसाइलें होती हैं, जो चोरी छुपे भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करेंगी, उनको भी एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी आसानी से मार के गिरा सकता है। और इसके साथ ही फाइटर जेट, ड्रोन, छोटे से छोटा UAV या फिर बड़े से बड़ा बॉम्बर भी क्यों ना हो, इस XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नहीं टिक पाएगा। और दोस्तों, जो अपना DRDO है इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है और आज DRDO की मेहनत सफल हुई है और 24-25 फरवरी को जाकर DRDO इस घातक हथियार को दुनिया के सामने उतारेगा। खैर, आप सभी की भारतीय साइंटिस्टों की काबिलियत के ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में भी राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।